नमस्कार बच्चों, आज हम आपको गति के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि गति अवस्था और विराम अवस्था क्या होती है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक चित्र बनाया हुआ है, उसकी सहायता से हम आपको यहाँ पर गति के प्रकार के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पर एक चित्र हमने बनाया है, तो यहाँ पर ये गति के प्रकार लिखे हैं: सरल रेखीय गति, वृत्तीय या घूर्णन गति, दोलनीय या कंपनी गति, अनियमित गति, एक समान गति और असमान गति। अब इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यानी इन सबको हम यहाँ पर समझाएंगे। तो सबसे पहले गति के प्रकार में हम समझेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, जैसे अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो हम कहेंगे कि वस्तु की यह गति कहलाती है सरल रेखीय गति। जैसे सीधी पटरी पर कोई ट्रेन चलती है, कोई पटरी सीधी हो और उस पर कोई ट्रेन चल रही हो तो हम कह सकते हैं कि वह गति सरल रेखीय है। या जैसे दो कोठियों के बीच में रस्सी बांध देते हैं और ये जो जो खेल दिखाने वाले होते हैं उस पर देखा होगा रस्सियों पर वह चलते हैं, तो एक सीधी रस्सी बंधी होती है उस पर क्या होता है कि जो जोकर और बगल मतलब जो खिलाड़ी आते हैं जो खेल दिखाते हैं वो उस रस्सी पर चल रहे होते हैं। तो सीधी बंधी है रस्सी, उसी पर चल रहे हैं। तो अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की यह गति सरल रेखीय गति होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति, यानी कोई अगर ट्रेन एक सीधी पटरी पर चल रही है तो वह गति हो जाएगी सरल रेखीय गति। इसके बाद दूसरी आती है वृत्तीय या घूर्णन गति। वृत्तीय या घूर्णन गति, वृत्तीय यानी सर्कल, इंग्लिश में से हम सर्कल बोलते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, अगर कोई वस्तु इस तरह से कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, सरल रेखीय मतलब सीधा चलती है, एक सीधी पथ पर चलती है। अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर इस तरह से कोई वस्तु गति कर रही है तो वह वस्तु की गति कहलाती है वृत्ति या घूर्णन गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है, वह वृत्ताकार पथ पर गति करती है। या हम क्या करें, एक रस्सी ले लें, उस रस्सी में पत्थर को बांध दें और उसे इस तरह से घुमाने लगे। तो जैसे रस्सी में एक पत्थर बांध दिया और उसे इस तरह से घुमाए तो वो भी वृत्ताकार पथ पर चलेगा। या और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है, यानी सीधा होता है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वह वस्तु की गति कहलाती है वृत्ति या घूर्णन गति। इसके बाद आता है दोलनी या कंपनी गति। दोलनी या कंपनी गति कैसे समझ सकते हैं? झूला तो सभी ने झूला होगा। जैसे क्या होता है, जब झूला झूलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये रस्सी बांध दी, इस रस्सी से यहाँ पर झूला होगा, बंधा होगा, यहाँ एक खूंटी से रस्सी बंधी होगी। जब हम झूला झूलते हैं तो ऐसे कोई अगर झूला इस तरह से अगर कोई झूला लटका हुआ है तो क्या होता है कि जब हम झूलेंगे तो यहाँ जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, या मान लो ऐसे झूला है तो यहाँ जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, या यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो एक बिंदु से जैसे कोई रस्सी लटकी है तो इस बिंदु के इधर जाते हैं फिर उधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं फिर उधर आते हैं। तो अगर कोई वस्तु जैसे एक कोई बिंदु से, एक कोई स्थिर बिंदु से लटकी हुई है और उस बिंदु के इधर उधर जाए, यानी यहाँ पर जाए फिर यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ की ओर इस तरह से गति करे, तो हम कहेंगे उस वस्तु की गति को दोलनी या कंपन। कंपन इस तरह से होता है, यहाँ पर जैसे स्थिर है फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो वो गति कहलाती है दोलनी या कंपनी गति। अर्थात यदि कोई वस्तु एक बिंदु के इधर उधर गति करती है तो वह वस्तु की गति कहलाती है दोलनी या कंपनी गति। जैसे झूला झूलते बच्चे की गति, कोई वस्तु कोई व्यक्ति या कोई बच्चा झूला झूलता है तो वो भी झूला एक बिंदु पर लटका होता है, खूंटी से लटका होता है, उस खूंटी के इधर उधर झूलते हैं। या फिर एक कोई रस्सी से पत्थर बांधकर उसे खूंटी से लटका दो, उसके बाद हम अगर पत्थर को एक और खींचकर छोड़ दें तो वो पत्थर भी इस तरह से ऐसे ऐसे गति करने लगेगा। या फिर घड़ियों में पेंडुलम लगा रहता है जो हर एक एक घंटे पर बजता है, नीचे इस तरह से घड़ी होती है उसके इस तरह से यहाँ पे एक पेंडुलम लगा होता है, हर एक एक घंटे में बजता है, तो वो भी इस तरह से गति करता है, एक बिंदु के इधर उधर गति करता है, तो वो भी गति हम कह सकते हैं दोलनी या कंपनी गति। इसके बाद चौथी आती है अनियमित गति।
अनियमित गति यानी ऐसी गति जिसकी दिशा ही निश्चित नहीं है। कोई भी वस्तु की गति की दिशा लगातार बदल रही हो, मतलब कोई निश्चित दिशा में गति ना हो रही हो। कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, इधर की ओर गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, मतलब कोई गति की दिशा ही निश्चित नहीं है। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है तो चारों तरफ सब घूम रहे होते हैं, कोई निश्चित दिशा में नहीं जाता है, तो उसे कहते हैं हम अनियमित गति। अर्थात कोई व्यक्ति पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इस तरह से गति होती है, तो उसे हम कह सकते हैं अनियमित गति। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, कभी पक्षी यहाँ की ओर जा रहे हैं, कभी यहाँ उड़ने लगे, कभी उस दिशा में उड़ने लगे। या फूलों पर तितलियां मंडराती हैं या भौरे मंडराते हैं तो उनकी भी गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, किसी भी दिशा में वो घूमते फिरते रहते हैं, तो वो गति कहलाती है अनियमित गति। यानी ऐसी गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा निरंतर बदलती रहे, तो उस गति को कहा जाता है अनियमित गति। इसके बाद आता है एक समान गति। तो एक समान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे कहा जाता है एक समान गति। जैसे कोई गाड़ी या कोई भी व्यक्ति या कोई और भी कोई वस्तु गति कर रही है, तो वो जैसे मान लो पहले एक घंटे में उसने 40 किलोमीटर दूरी तय की, तो फिर अगले एक घंटे में भी दूरी 40 किलोमीटर ही तय होनी चाहिए, फिर अगला एक घंटा जो होगा उसमें भी दूरी 40 किलोमीटर तय होनी चाहिए। यानी हर समय अंतराल में दूरी बराबर तय हो तो गति कहलाती है एक समान। इसका कोई एग्जांपल नहीं होगा, जैसे कोई गाड़ी ही चल रही है तो उस गाड़ी में क्या होता है, वैसे कोई गाड़ी चलती है तो चाल बराबर बदलती रहती है, कभी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा होती है, कभी गाड़ी की स्पीड 60 हो जाती है, कभी 20 भी हो जाती है। जैसा इलाका मिले, मतलब खाली अगर रास्ता मिल रहा है तो गाड़ी तेज स्पीड में चलती है, कहीं भीड़ हो जाती है तो वहाँ गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, तो इससे चाल बदलने से दूरी भी बदलने लगती है। तो इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उस वस्तु की गति को कहा जाएगा एक समान गति। इसके बाद आता है असमान गति। तो एक समान और असमान में बस थोड़ा सा अंतर है, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है तो कहलाएगी एक समान गति, और अगर समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय हो रही हैं तो वह कहलाती असमान गति। कैसे, जैसे यहाँ पर हर एक एक घंटे में देख रहे थे 40-40 किलोमीटर दूरी तय हो रही थी, अगर ऐसा ना हो, जैसे पहले एक घंटे में 40 किलोमीटर हो जाए, अगले एक घंटे में कहो 30 हो जाए, फिर अगले एक घंटे में 40 हो जाए, फिर कहो अगले एक घंटे में 20 हो जाए, तो इस तरह से हम देख रहे हैं दूरियां हर समय अंतराल में देख रहे हैं दूरियां लगातार बदलती जा रही हैं, तो वह गति कहलाएगी असमान गति। तो इस तरह से गति के प्रकार हैं। यहाँ पर हमने गति के 6 प्रकार के बारे में पढ़ा है। सरल रेखीय गति, ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले। वृत्तीय घूर्णन गति, यानी ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे। दोलनी या कंपने गति, ऐसी गति जिसमें वस्तु की गति एक बिंदु के इधर उधर हो। अनियमित गति, ऐसी गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा निरंतर बदलती रहे। एक समान गति, वस्तु की ऐसी गति जिसमें वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। और असमान गति, ऐसी गति जिसमें वस्तु समान समय अंतराल यानी समय तो समान हो लेकिन दूरियां अलग अलग तय हो रही हैं, तो वह वस्तु की गति कहलाती है असमान गति। इस तरह से ये थे गति के